हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भाष्वती टीचर। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद भाष्वती टीचर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोयम लेसन नंबर 2.1 एनिमल्स। दिस लेट अस टॉक अबाउट वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इज़ द पोएट हु हैज़ रिटन दिस पोयम 1819 to 1892। अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वॉज राइम्ड एंड मेट्रिकल, विटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब जिसमें कोई राइम स्कीम ABAB या ABCB ऐसे कोई राइम स्कीम नहीं होती। ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब जो दुनिया के बनाए हुए नियमों के बजाय अपने काम करता है। आई एम नॉट सेइंग एंटी सोशल, बट नॉन कन्फॉर्म is who questions everything. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, what he finds complicated and false. इस poem में poet का कहना है कि वो animals के साथ ज़्यादा comfortable feel करते हैं as compared to human beings, और उनका कहना है कि human beings जो होते हैं वो complicated होते हैं और झूठे होते हैं, false होते हैं. Now let us see. First we will start the poem. Very small poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. No one is dissatisfied, no one is demented with the mania of owning things. No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. No, not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. I wonder where they get these tokens, get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? Walt Whitman. Okay, first let us see the hard words. टर्न मतलब ट्रांसफॉर्म, प्लेसिड मतलब नॉट इजिली अपसेट, सेल्फ कंटेंट इज सेल्फ सफिशियंट, मेक मी सिक मतलब डिसगस्ट मी, डिमेंटेड मतलब मैड, मैनिया मतलब क्रेज, रिस्पेक्टेबल इज टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एविंस मतलब शो, टोकन्स मतलब वर्चूज लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट. ओके, नाउ लेट अस गो अहेड विद द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. द पोएट इज सेइंग आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. पोएट का कहना है कि हे भगवान, काश ऐसा होता कि मैं एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाता और जंगल में एनिमल्स के साथ ही रहता. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, ये लोग कितने शांत हैं. एंड सेल्फ कंटेंट मतलब दे आर सो सेल्फ सेटिस्फाइड, जो चीज़ है उसी में वो लोग शांत हैं. मतलब दे डोंट फाइट फॉर प्रॉपर्टी, दे डोंट फाइट फॉर मनी, दे डोंट कम्पीट विथ ईच अदर. सो वॉट एवर दे आर, दे लिव इन कंसोनेंस विद द नेचर एंड दे आर हैप्पी देयर. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं लंबे समय तक खड़े होकर एनिमल्स की तरफ देखता ही रहता हूँ, जो मैं बहुत अच्छा लगता है. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो हमेशा रोते बिलखते नहीं रहते कि अरे देखो मेरी हालत क्या हो गई है, मेरे पास सिर्फ एक मर्सिडीज़ है, उसके पास दो है. दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, वो लोग पाप भी नहीं करते और रात रात को जाग कर रोते भी नहीं है कि अरे मुझसे पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई. दे डोंट डू दिस. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. कुछ लोग तो इतने भगवान के भक्त होते हैं कि भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसके बारे में डिस्कशन कर करके लोगों को, दूसरे लोगों को पागल कर देते हैं, ये करना वो करना एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू गॉड. नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, एनिमल्स लोगों में ऐसा है कि एवरी वन इज़ सेटिस्फाइड, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डिससेटिस्फाइड है. नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कोई पागल नहीं है कि जिसको चीज़ें खरीद के, मतलब इतना सोना, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें खरीदने के पीछे कोई पागल ही नहीं है. नो वन नील्स टू अनदर, कोई एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता. Not to his kind that lived thousands of years ago. भले ही उनसे उम्र में हज़ार साल बड़े क्यों ना हो, लेकिन उनके कोई किसी के सामने घुटने नहीं टेकता. मतलब छोटा बड़ा, देर इज़ नो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी. नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ.
नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, मतलब कि कोई भी यहाँ पे अनहैप्पी नहीं है एंड नो वन इज़ अगेन सेल्फ कंटेंट ओवर द होल अर्थ, पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं कोई भी अनहैप्पी नहीं है. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, तो इसलिए मुझे उनके साथ बहुत ही कनेक्टेड फील होता है एंड आई एक्सेप्ट देम. और मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं उनको दिल से एक्सेप्ट करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन मतलब वर्च्यूज़, अच्छे गुण. उनको देख के मुझे ये अच्छे गुण मैं देखने को मुझे मिलते हैं. दे एविंस मतलब शो, दे शो देम प्लेनली इन देयर पोजिशन. ऐसा लगता है जो वर्च्यूज़ जो गुण इंसानों में होने चाहिए वो तो इन एनिमल्स में है. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि भगवान ने इन लोगों को ये वर्च्यूज़ ये अच्छे गुण कहाँ से दिए हैं. डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. ये गुण तो मुझ इंसान में होने चाहिए, तो क्या कभी चलते चलते मेरे हाथ से ये टोकन्स जो हैं मतलब अच्छे गुण जो है ये कभी गिर गए हैं. हाउ कम दीज एनिमल्स दे पजेस दीज टोकन्स. वेरी मीनिंगफुल पोएम. इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. दीज आर द हार्ड वर्ड्स एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एप्रिसिएशन. टाइटल इज एनिमल्स, पोएट इज वॉल्ट विटमैन, राइम स्कीम इज ए बी सी जी सी सी डी ई एफ जी एच. देन फेवरेट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, नॉट वन मील्स टू अनादर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. स्टूडेंट्स कैन राइट देयर ओन फेवरेट लाइन. नाउ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. एनिमल्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन हु इज़ नोन फॉर हिज फ्री वर्स पोएम्स. द पोएट हैज़ डिपिक्टेड द सिंप्लिसिटी ऑफ द एनिमल्स एंड द ग्रीडीनेस एंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. He brings out the difference between the two by expressing his contentment on the placid nature of animals. Their carefree nature impresses the poet and he wants to emulate them. तो इसमें central idea of the poem में animals जो Walt Whitman की लिखी हुई है, ये Walt Whitman बहुत famous है free verse poems के लिए. इस poem में poet ने कहा है कि animals कितने simple होते हैं और human beings उसके comparison में कितने greedy और complex होते हैं. एंड वो लोग डिफरेंस निकालते हैं दोनों के बीच में, और एनिमल्स जो हैं कितने कंटेंट और कितने प्लेसिड नेचर के होते हैं और बिल्कुल केयर फ्री नेचर होता है एनिमल्स का. तो उसकी वजह से पोएट इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय द एनिमल्स एंड ही वांट्स टू एम्यूलेट देम. वो उनकी कॉपी करना चाहता है. नाउ फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. दिस लाइन इज़ अ मेटाफर. मेटाफर मतलब कि इम्प्लाइड सिमिले. As animals are indirectly compared with the position of qualities like placidity and self-contentment. Phir personification, I stand and look at them long and long. Then after that we have special features. The special features of the poem is that it expresses the difference between humans and animals. Ye to aap samajh hi gaye. The poet appreciates the qualities of the animals like calmness, self-contentment and satisfaction. Ye bhi aap samajh gaye. They are respectable and the poet desires to live among them and learn among them and shows his dissatisfaction about human beings. Okay, then after that, why I like this poem? I like the poem as it inculcates and teaches us the values that animals possesses and the human beings doesn't. Not one kneels to another, nor to his kind. Kind means type. Also, it means showing concern or being caring. So, this can be an example of homonym. Where two words are spelt alike and also sound alike, but they have different meanings. Thank you for watching. Like and subscribe. Chalo, bye bye for today. We will meet in the next video. Complete the notes of this lesson. Bye bye.